दिल्ली में कांग्रेस ने जारी की प्रत्याशियों की सातवीं सूची। कांग्रेस ने सातवीं सूची में 35 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। रेणुका चौधरी को तेलंगाना की खम से टिकट मिला है, तो वहीं इमरान को प्रतापगढ़ी को और वहीं मुरादाबाद सीट से टिकट दिया गया। सात सूचियों में कांग्रेस ने अब तक 181 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए और वहीं एक अहम राज बब्बर को मुरादाबाद के बजाय फतेहपुर सीकरी से अब चुनाव लड़वाया जाएगा। कांग्रेस ने अब तक सात लिस्ट जारी की है और अब तक 181 प्रत्याशियों के नाम लोकसभा चुनाव के लिए घोषित किए जा चुके हैं। कांग्रेस ने सातवीं सूची में 35 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है और रेणुका चौधरी को तेलंगाना की खम से टिकट मिला। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए A1 संवाददाता प्रीत किरण हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। प्रीत, कांग्रेस की अब तक सात लिस्ट जारी हो चुकी है और इस बार 35 नामों की घोषणा की गई और सबसे अहम राज बब्बर को मुरादाबाद के बजाय फतेहपुर सीकरी से चुनाव लड़वाएगी कांग्रेस। रात में 12 बजे कांग्रेस ने 35 सूची जारी की, 35 उम्मीदवारों की। ये सातवीं सूची है पार्टी की ओर से। खास बात ये रही कि राज बब्बर को जिस तरीके से मुरादाबाद से टिकट दी थी, लेकिन वो वहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे क्योंकि उनकी जो पुरानी सीट है वो फतेहपुर सीकरी ही रही है। चाहे 1999 से लेकर 2009 तक उन्होंने वहां से चुनाव लड़ा, हालांकि 2009 में वो जरूर चुनाव हार गए थे, लेकिन उससे पहले के तमाम जो चुनाव थे वो वहां से लड़ते रहे हैं और समाजवादी पार्टी से जीतते रहे थे। लेकिन कांग्रेस में आने के बाद उनकी उस एक हार के बाद उनकी उस सीट का जो है सीट में बदलाव कर दिया गया था। यही वजह है कि उनको मुरादाबाद से टिकट दी गई थी, लेकिन वो वहां से लड़ना नहीं चाहते थे। उनका ये कहना है कि उनका जो जनाधार है, उनकी जो पुरानी सीट है, वो कहीं ना कहीं फतेहपुर सीकरी है। और 2009 में जब चुनाव हारे तो पार्टी ने उनकी सीट चेंज की, लेकिन इस बार वो मांग कर रहे थे और उनकी मांग को मानते हुए राज बब्बर को अब दोबारा से फतेहपुर सीकरी से टिकट दी गई है। जी ज्योति, प्रीत, जिस तरह से रेणुका चौधरी को इस बार खम से टिकट मिला है, और क्या इस 35 नामों में राजस्थान का भी कोई उम्मीदवार निकल कर बाहर आया इस लिस्ट से? देखिए, नहीं, राजस्थान कल CEC बैठक जरूर हुई थी, देर रात तक करीबन 9:30 बजे तक CEC बैठक चली, लेकिन उसके बाद ये जो है पार्टी ने तय किया कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 26 तारीख को राजस्थान के दौरे पे रहेंगे। ये माना जा रहा है कि गंगानगर में जनसभा कर सकते हैं राहुल गांधी, इसको लेके एक तैयारी की जा रही है। और 26 तारीख की राहुल गांधी बीजेपी की तमाम जो सूची है अभी तक जी प्रीत, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक बार फिर से आप सभी को बता दूं कि अब तक कांग्रेस 181 नामों की घोषणा कर चुकी है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने सातवीं सूची जारी की जिसमें 35 प्रत्याशियों की घोषणा की और सबसे अहम रेणुका चौधरी को तेलंगाना के खम से टिकट मिली है और राज बब्बर को इस बार मुरादाबाद के बजाय फतेहपुर सीकरी से चुनाव लड़वाएगी कांग्रेस, क्योंकि राज बब्बर मुरादाबाद से चुनाव लड़ने से सहमत नहीं थे।